मैं मोहम्मद सगीर अब्बासी हूँ, समाज सुधार ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। जिस तरह से बाढ़ का चारों तरफ कहर मचा है, हल लोगों में दहशत फैली हुई है और जिस तरह से पानी के बारे में लोग जमुना के सैलाब के बारे में कह रहे हैं, उस हिसाब से जैसे ओखला या बटला हाउस के आसपास मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पटेरे जो है, इतना पानी जल स्तर कम हो गया है, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है इतना पानी नीचे हो गया है। और कोई इससे आगे आप जाओगे तो देखिए बच्चे इस पानी में स्विमिंग पूल कर रहे हैं, नहा रहे हैं और यहाँ कोई खतरे वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। और मैं ये दिखाना चाहूँगा जिस तरह से लोगों में एक डर हो गया था, ये देखिए कितना ऊंचा ये मिट्टी का पुश्ता है, ये इतना ऊंचा मिट्टी का पुश्ता बना हुआ, पानी जाने की तो कोई बात ही नहीं है। पानी जो गया है हमारे बटला और ओखला क्षेत्र में वो गया है, जो सीवर का पानी है, जो जॉइंट है जमुना से उन्होंने बैक मारा है पानी। अगर वैसे पानी नहीं जाता है, क्योंकि वैसे जमुना के किनारे पर हैं, तो जमुना के किनारे पर जैसे लोगों ने नीचे से सीवर पाइपलाइन डाले हुए हैं, उसके थ्रू वापस पानी कॉलोनी में, आबादी में, झुग्गी झोंपड़ों में पहुंच गया था। मगर अब कोई खतरे वाली बात नहीं है, समाज सुधार ट्रस्ट हमेशा नज़र रखे हुए है ताकि लोग जो है इस पर डरे ना और अपने हिम्मत से काम लें। देखिए मैं ये दिखाऊंगा कितना पानी, कम से कम 2-2.5 फुट पानी जो है नीचे कम हो गया है और अभी कोई खतरे वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ये सामने जो DND फ्लाई ओवर दिख रहा है आपको, और बच्चे देखिए कैसे खेल रहे हैं, भैंसे भी हैं तैर रही हैं पानी में। ये देखिए ये बीच में जिनकी झुग्गियाँ वैसे पड़ी हुई थी, जो लोग वैसे रह रहे थे खेती बाड़ी वाले या भैंसों को रखने वाले, उनकी ये बीच में झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं। कितना ऊंचा ये मिट्टी का पुश्ता बनाया हुआ है, जो ये हाईवे रोड निकाला। अब इधर से दिखा दो, इधर से वापस दिखा दो, ये देखिए ये पूरा ही जो है पुश्ता बहुत ऊंचा है, पानी आने की तो कोई वो नहीं है, क्योंकि ये हाईवे रोड जो बना है इसकी वजह से यहाँ पूरी मिट्टी डाली हुई है। अच्छा, जो थोड़ा पानी गया है वो नीचे स्तरों में वहाँ से गया है, जहाँ जमुना में जो गटर का पानी या उसको जोड़ा गया है उसकी वजह से ये थोड़ा सा ये पानी आया है। अब कोई ऐसी बात नहीं है और हम हमेशा नज़र रखते हैं, हमारी समाज सुधार ट्रस्ट हमेशा इस तरह से काम करती रहती है। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, पानी जल स्तर घटता जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।